जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की आरती। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं और माताएं संतान प्राप्ति और उनके दीर्घायु की कामना से जितिया का व्रत रखती हैं। इस दिन पौराणिक पात्र जिमूतवाहन का पूजा किया जाता है, जिन्होंने पंछीराज गरुड़ से नागवंश की संतानों की रक्षा की थी और सभी को अभयदान प्रदान किया था। जीवित पुत्रिका व्रत का वर्णन महाभारत में भी आता है। इसका संबंध पांडवों के प्रपौत्र परीक्षित के मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवनि तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन शब्द अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल शुकूर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रैतापा सीवत सहज हरत यति मनसिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा करे अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन